मॉर्निंग क्लास वन, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मिस रिवा फ्राम स्टडी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, ओपन पेज नंबर 54। टुडे वी स्टार्टेड आर न्यू चैप्टर, यूनिट नंबर 9, माई लिटिल फ्रॉक मीन्स मेरा छोटा मेंढक, मेरा छोटा मेंढक। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोम। आई सॉ अ लिटिल फ्रॉग, ही वॉज सिटिंग ऑन अ लॉग। मैंने एक छोटा मेंढक देखा, ही वॉज सिटिंग ऑन अ लॉग, जो किस पे बैठा हुआ था? लॉग पे। लॉग किसको कहते हैं बेटा? ये जो आप देख रहे हैं ये ट्री की एक, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? दरख्त का एक तना है, इसे क्या कहते हैं? तना कहते हैं, ठीक है। तो लिटिल फ्रॉग कहाँ बैठा हुआ था? दरख्त के तने पर। हिज नेम इज़ टाइनी टिम, उसका नेम क्या था? टाइनी टिम। क्या नेम था लिटिल फ्रॉग का? टाइनी टिम। To see if he can swim, जब मैंने देखा कि वो स्विम कर सकता है, I put him in a bathtub, मैंने उसे bathtub में डाल दिया, and gave him soap to rub, और उसको क्या दिया? Soap दिया, नहाने के लिए उसको क्या दिया मैंने? Soap दिया। He drank up all the water. बाद में जो भी पानी था ना, जितना भी पानी था बाद में, जितना भी वाटर था, उसमें मेंढक ने सारा क्या कर लिया? पी लिया, सारा पानी उसने बाथटब का पी लिया। And gobbled up the soap. और जो सोप था उसने gobbled up कर लिया, means निगल लिया या फिर उसने क्या कर लिया? बिना चबाए उस सोप को खा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ होती है जो हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? निगल लेते हैं या बिना चबाए खा लेते हैं। तो इसी तरह सोप भी मेंढक ने क्या कर लिया? गोबल डप कर लिया, निगल लिया। व्हेन ही ट्राइड टू टॉक, जब उसने ट्राई किया या उसने जब बात करने की कोशिश की, ही हैड अ बबल इन हिज थ्रॉट। थ्रॉट किसको कहते हैं बेटा? थ्रॉट कहते हैं हलक को, हमारा जो हलक होता है उसे क्या कहते हैं? थ्रॉट। ही हैड अ बबल इन हिज थ्रॉट, उसके मुंह में या उसके हलक से क्या आने लगे? बबल्स आने लगे, झाग आने लगे। आई लाइक्ड माई लिटिल फ्रॉग, मुझे मेरा छोटा मेंढक बहुत पसंद है। ही वॉज वेरी चबी, वो बहुत चबी है। चबी मीन्स उसको कहते हैं गोल मटोल या मोटा सा। व्हेन आई हेल्प्ड हिम इन माय हैंड, जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया, ही फेल्ट अ लिटिल स्क्रबी, उसने एक छोटी सी स्क्रबी फील की। मीन्स क्या फील की? सफाई फील की। स्क्रबी को कहते हैं सफाई को, क्लीनलेस को। अच्छा बेटा, ये देखिए आपके मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ बुक में अंडरलाइन किए हुए हैं, आप इसे अंडरलाइन कर लें। लिटिल, सिटिंग, स्विम, ड्रंक, गोबल्ड, ट्राइट, बबल, थ्रॉट, चबी, स्क्रबी। अब बेटा, आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है जो आपके पेज नंबर 55 पे गिवन है। राइट द साउंड इन द ब्लैंक्स एंड रीड द वर्ड्स अलाउड। आपको जो सेंटेंस ब्लैंक्स दी हुई हैं उनमें आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए ना ऊपर, ओ एन ए ई एन आर, इन ब्लैंक्स में आपको ये वर्ड्स फिल करने हैं और फिर क्या करना है आपको? इनको रीड करना है। Soap, throat, boat, goat, इसी तरह ER के वर्ड्स पढ़ने हमें। Water,
रूलर, लैडर, रिवर। ठीक है, नाउ बेटा ओपन योर कॉपीज, टेक आउट योर कॉपीज, दिस इज़ योर इंग्लिश कॉपी। अब हम थोड़ा सा कॉपी वर्क करते हैं। हमने जो बुक में अपने वर्ड्स को अंडरलाइन किए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, वो हम कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आपको माय लिटिल फ्रॉक का टाइटल पेज बनाना है, या फिर आप इस तरीके से ऊपर हेडिंग करके लिख दीजिएगा, यूनिट 9 माय लिटिल फ्रॉक। डेट डालेंगे आप और अच्छा सा नीट एंड क्लीन अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप कॉपी करेंगे। ब्लू कलर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे और फिर आप अपने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें लिख देंगे। लिटिल, सिटिंग, स्विम, ड्रंक, गोबल्ड, ट्राइड, बबल, थ्रॉट, चबी, स्क्रबी। ठीक है बेटा, आज का आपका वर्क क्या है कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपी करना है और आपने बुक की एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।